आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की, जानेंगे कि आखिर 128 सालों से हर घर का हिस्सा बन चुके इस पाउडर को बंद करने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसकी जगह कौन सा नया पाउडर लेने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। जॉनसन एंड जॉनसन ने लोकप्रिय बेबी पाउडर की बिक्री बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वह 2023 तक पूरी दुनिया में टैल्क बेस्ड पाउडर बेचना बंद कर देगी। कंपनी अमेरिका में 2 साल पहले ही ये पाउडर बंद कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कानूनी लड़ाई से ऊब कर दुनिया भर में पाउडर बेचने से किनारा किया है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, पूरी दुनिया में पोर्टफोलियो असेसमेंट के बाद कंपनी ने फैसला लिया है कि वह टैल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्नस्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर उतारेगी, जो कि दुनिया भर में पहले से बेचा जा रहा है। अब इस पाउडर का इतिहास भूगोल भी जान लेते हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने कभी ना कभी अपने बच्चों को जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर लगाया होगा। 128 सालों से हर घर का हिस्सा बन चुके इस पाउडर को बंद करने के पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। 1894 से बेचा जा रहा यह प्रोडक्ट जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का सिंबल प्रोडक्ट बन गया था। 1999 से कंपनी की इंटरनल बेबी प्रोडक्ट डिवीजन इसकी बिक्री कर रही है। अब समझते हैं कि टैल्क बेस्ड और कॉर्नस्टार्च बेस्ड पाउडर में फ़र्क क्या होता है। टैल्क एक मिनरल है जो धरती से निकाला जाता है। इसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। विज्ञान की भाषा में टैल्क एक हाइड्रोस मैग्नीशियम सिलिकेट है। कॉस्मेटिक और अन्य पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में टैल्क का इस्तेमाल होता है। कॉर्नस्टार्च बेस्ड पाउडर मक्के से बनाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर कॉर्नस्टार्च बेस्ड पाउडर त्वचा की देखभाल में इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स जैसे जिंक, कैल्शियम और आयरन मिलते हैं, जो स्किन की सॉफ्टनेस बरकरार रखने में मदद करते हैं। टैल्क से कैंसर के खतरे के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ से टैल्क को माइन करके निकाला जाता है, वहीं से एस्बेस्टस यानी अभ्रक भी निकलता है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है, कई मामलों में कैंसर का कारण बन जाता है। सांस की बीमारियों और कैंसर के सबूत मिलने के बाद ब्लू एस्बेस्टस और ब्राउन एस्बेस्टस को दुनिया भर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देकर एस्बेस्टस का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाइट एस्बेस्टस में भी कैंसरकारी तत्व हैं और इसे फेफड़े के कैंसर के अलावा कई तरह के और कैंसर भी हो सकते हैं। वाइट एस्बेस्टस पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भारत, चीन और रूस में अभी भी इसका प्रयोग होता है। इस बारे में हमने सफदरजंग हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण पांडे से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिसमें टाल्कलेस पाउडर या टाल्कलेस मॉइस्चराइजर भी लगाया जा सकता है, जैसे कि कॉर्नस्टार्च बेस्ड एक पाउडर आ रहा है। तो उसमें देखिए, टाल्क का भी काम है एब्जॉर्बेशन, यानी कि स्किन में जो पसीने आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना, और कॉर्नस्टार्च बेस्ड जो पाउडर है उसका भी काम है पसीने को सोखना या स्किन को ड्राई रखना। तो कुल मिलाकर ड्राई रखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम टाल्क बेस्ड पाउडर का इस्तेमाल करें। कॉर्न स्टार्च बेस्ड भी पाउडर आ रहे हैं मार्केट में, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुल मिलाकर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो कोई भी ओवर द काउंटर किसी पाउडर को खरीद के लगाने से बेहतर है कि अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, क्योंकि स्किन का ड्राई होना बहुत कारण हो सकते हैं स्किन के ड्राई होने का। तो कोई जरूरी नहीं कि आप घर की रेमेडी और या फिर ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे जाकर कुछ भी पाउडर खरीद के बच्चे को अप्लाई करते हैं। मैंने फिर कहा कि सभी बच्चों की स्किन, सभी इंसानों की स्किन डेलिकेट होती है और सबका जो डिफेंस सिस्टम है अलग अलग है। तो आप ये मत सोचिए कि ड्राई स्किन का केवल ये कारण है कि पाउडर लगा देंगे सही हो जाएगा। जो टाल्क पाउडर है, जो टाल्क है वो क्या है, एक मिनरल है जो कि हमारे धरती से खोद के निकाला जाता है, जैसे बाकी सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो टाल्क भी मिनरल होता है, इसमें कई तत्वों से मिलकर ये टाल्क बनता है। अब ये जो टाल्क है, जो मिनरल है, और इसका क्वालिटी क्या होती है, ये जो हमारे शरीर में जो पसीने होते हैं, यानी कि सूदिंग मतलब सोखने का काम करता है, पसीना सोखने का, तो इसलिए हमारा जो स्किन है स्मूथ रखता है। तो गर्मी में बच्चों को यूज करते थे, लेकिन टाल्क के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां से खुदाई से ये टाल्क निकलता है, वहीं से कहीं ना कहीं एस्बेस्टस, जिसको अभ्रक बोलते हैं, वो भी निकलता है। तो टाल्क और अभ्रक एक ही जगह से, दोनों खनिज ही है और दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टाल्क जब आप निकालते हैं, क्योंकि ये मिनरल है, तो कहीं ना कहीं एस्बेस्टस का या अभ्रक का भी मात्रा उसमें आ सकता है। तो जिसके कारण, और अभ्रक एक माना जाता है कैंसरोजिनस, एक प्रोडक्ट है, कैंसरोजिनस एक अवयव है। तो इसीलिए टाल्क के साथ अभ्रक का मिल जाना, और या फिर जिस समय आप खुदाई कर रहे हो, जिस समय वो टाल्क निकाला जा रहा हो, उससे कहीं ना कहीं एस्बेस्टस का मिल जाना ये लाजमी है। इसी के कारण
ये कई सारे जॉनसन एंड जॉनसन पे कई सारे ऐसे पेच पड़े थे कि क्या आप कैसे करते हैं, कि अभ्रक आपको कैसे अलग कर लेते होंगे, जिस समय टाल का आप लेके आते होंगे जो रॉ प्रोडक्ट है टाल का, तो कैसे आप उसका एस्बेस्टॉस को कैसे अलग करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल का काम है कि टाल को एस्बेस्टॉस से अलग करना। तो कहीं ना कहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने लंबी लड़ाई हर जगह, जहां जिस देश में भी ये प्रोडक्ट बचा, अभी रिपोर्ट भी मैं कहीं पढ़ा तो उसमें ये भी था कि कई ऐसे 20-25 ऐसे केस आए हैं जिसमें फीमेल्स को कैंसर हुआ है और उन्होंने कोर्ट में जाके अपील किया तो उनको हर्जाना भी देना पड़ा है। बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन को इस बेबी पाउडर को बंद करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा इस बारे में। दरअसल कुछ साल पहले कंपनी के बेबी पाउडर पर आरोप लगाया गया था कि इस पाउडर से कैंसर होता है, और इसके बाद कंपनी के खिलाफ मई 2020 में दुनिया भर में हजारों केस दायर हो गए थे। अमेरिका की कई महिलाओं ने कंपनी पर केस दायर करते हुए कहा था इस पाउडर के इस्तेमाल से उन्हें गर्भाशय का कैंसर हुआ। मामले ने तूल पकड़ा तो कंपनी को हर्जाना भी भरना पड़ा। कंपनी के खिलाफ करीब 38,000 से अधिक मामले चल रहे हैं। अमेरिकन रेगुलेटर्स ने भी दावा किया था कि उन्हें कंपनी के बेबी पाउडर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। कोर्ट फाइलिंग में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के वकील ने बताया है कि कंपनी मुकदमेबाजी में पिछले 5 साल में $1 अरब यानी कि करीब 7,968 करोड़ रुपए से ज़्यादा हर्जाना भर चुकी है। खुद को दिवालिया साबित कर चुकी कंपनी ने बैंक्रप्सी की फाइलिंग के दौरान जानकारी दी कि जॉनसन एंड जॉनसन को सेटलमेंट के मामलों को सुलझाने के लिए अब तक लगभग $3.5 बिलियन यानी कि करीब 28,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करने के लिए मजबूर किया गया। अमेरिकी शहर सेंट लुइस में राज्य की कोर्ट के बाहर 2018 के जूरी फैसले ने अंततः जॉनसन एंड जॉनसन को उन 20 महिलाओं को $2.5 अरब यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने अपने गर्भाशय के कैंसर के लिए इसके बेबी पाउडर को टारगेट किया था। हालांकि इस बारे में कंपनी का कहना है कि उनका बेबी पाउडर सेफ है। कंपनी ने खुद भी अपने पाउडर पर रिसर्च किया और दावा किया कि उसका बेबी टैल्कम पाउडर सेफ है और इससे कैंसर नहीं होता है। आपको बता दें इस बारे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने काफी खुलासे किए थे। रॉयटर्स ने खोजी रिपोर्टिंग के जरिए पाया था कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के आला अधिकारियों को यह दशकों से पता था कि उनके बेबी पाउडर में एस्पेस्टस है। रॉयटर्स ने इसके लिए कंपनी के रिकॉर्ड, जिन लोगों को कैंसर हुआ उनका इंटरव्यू भी किया था, और अन्य सबूतों से पता चला है कि कम से कम 1971 से 2000 के दशक की शुरुआत तक कंपनी के बेबी पाउडर में कैंसर कारक एस्बेस्टस की मात्रा पाई गई थी। इसके अलावा 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक शाखा ने बेबी पाउडर जैसे कॉस्मेटिक टैल को संभवतः कार्सिनोजेनिक के रूप में पहचानना शुरू किया। आपको बता दें कि कंपनी की तरफ से बच्चों के लिए बेचे जा रहे उत्पादों में बेबी पाउडर काफ़ी बड़ी कमाई का जरिया रहा है। पिछले साल जॉनसन एंड जॉनसन को इस बेबी पाउडर की बिक्री में 1% रेवेन्यू हासिल हुआ था। इस दौरान कंपनी का कुल राजस्व $81.6 अरब रहा था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात किया, ये उन्हें सुनते हैं। देखिए अभ्रक जो है, अभ्रक जिसको एस्बेस्टॉस को अभ्रक हिंदी में कहते हैं, तो अभ्रक कार्सिनोजेनिक एजेंट का काम करता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे शरीर में एस्बेस्टॉस या अभ्रक जाए और स्किन, और इसका सबसे बड़ी बात यह कि ये हमारे स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है। अगर टाल्क में मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ही मैं देखो तो मान लीजिए टाल्क में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉनसन एंड जॉनसन के टाल्क पाउडर में ये होगा ही, लेकिन मान लीजिए अगर हो तो ये स्किन के थ्रू ऑलरेडी पेनिट्रेट कर जाएगा हमारे शरीर में, अभ्रक पेनिट्रेट कर सकता है। और मैंने फिर बोला कि हमारा जो शरीर है, कैंसर भी क्या है, एक तरह से कैंसर का अगर मूलभूत चीज मैं बोलूं तो ये जब शरीर में कोई भी चीज ऐसी होती है जिसका जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाए तो ये शरीर हमारा उस पर्टिकुलर चीज को खिलाने पिलाने ज्यादा लगता है। तो यानी कि जैसे ये कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए अभ्रक है जो एस्बेस्टॉस से, अगर हमारे स्किन में टाल के थ्रू या पाउडर पाउडर के माध्यम से स्किन में हमने लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सपोजर बढ़ रहा है। अब जब एक्सपोज होता है तो शरीर में उसकी मात्रा का जाना तय है जब भी एक्सपोजर। इसीलिए देखिए रेडिएशन से भी हम क्यों बचते हैं कि रेडिएशन पे बार बार एक्सपोजर मत लीजिए, क्योंकि अब बार बार जाएंगे एक्सपोजर तो रेडिएशन हो गए, कहीं ना कहीं जीन का म्यूटेशन करा सकता है। और जब ये जीन म्यूटेट होता है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में बालों का बढ़ना, हमारे शरीर में हमारी उम्र के साथ साथ जो हमारी हाइट बढ़ती है, ये सब एक जीन एक्सप्रेशन के कारण हमारी हाइट बढ़ती है। अब यही क्या होता है, जब वो जीन म्यूटेट हो जाता है तो वो एक्सप्रेशन करना बंद कभी नहीं करता, इसलिए वो क्या करता है, पर्टिकुलर टिश्यू को बढ़ाता चला जाता है, पर्टिकुलर सेल को बढ़ाता चला जाता है या पर्टिकुलर सेल को डिस्ट्रक्ट करने चला जाता है। दैट इज द कैंसर। कैंसर मतलब ऐसा नहीं, कैंसर कहीं भी बाहर से आई हुई चीज नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही जो जीन होते हैं वो उसके अगेंस्ट में या तो वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं या फिर कंप्रेस हो जाते हैं।
जिसके कारण हमारे शरीर में बताया जाता है कि डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस और रिजनरेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है। कोई भी सिस्टम में अगर कुछ ज्यादा हो गया तो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो यही मात्रा एब्रक का भी है और चाहे किसी भी कार्सिनोजेनिक एजेंट का है, वो क्या करते हैं हमारे जीन के म्यूटेशन करा देते हैं या फिर एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का कोई भी अंग, कोई भी टिश्यू, ये वो ब्लड का भी हो सकता है, वो स्किन का पिगमेंटेशन हो सकता है, इस टाल्क हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एस्बेस्टॉस उसमें है तो पहली बार में तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि क्या कितनी बार लगाने पे वो अब्रक की मात्रा हमारे शरीर में चली जाएगी या एस्बेस्टॉस की मात्रा कितना कम रहेगा तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है क्योंकि सबकी शरीर सबका जो डिफेंस सिस्टम है शरीर का अलग अलग है, हो सकता है कि कोई एक ही बार एक्सपोजर ले तो उसको जीन म्यूटेंट हो जाए या जीन एक्सप्रेशन हो जाए। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सरे, जैसे आप भी देखे होंगे जब भी आप एक्सरे मशीन पे बाहर जाते होंगे तो बाहर लिखा जाता है कि विकिरण, सावधान रहे, गर्भवती महिला न जाए, बच्चे न जाए, या फिर जिसका एक्सरे होता है उसी को लेके जाया जाता है, बाकी सबको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि जो हो सकता है कि पहला एक्सपोजर या फिर जो सामने वाला प्रीडिस्पोजिंग है, जैसे गर्भवती महिला में ज्यादा एक्सपोजर होता है क्योंकि जो पेट में बच्चा होता है तो रेडिएशन आराम से पेनिट्रेट कर सकती है, वो कहीं ना कहीं जीन म्यूटेशन कुछ हो सकता है तो उसमें कैंसर। उसी तरह सेम चीज अप्लाई होती है किसी भी कार्सिनोजेनिक एजेंट पे, उसमें भी कार्सिनोजेनिक एजेंट हमारे शरीर में एस्बेस्टॉस या अभ्रक का काम करता है। स्किन पे अप्लाई किया, मान लीजिए एक बार में नहीं आया, दो बार, लेकिन रेगुलर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये म्यूटेंट कर जाए तो स्किन पिगमेंटेशन, स्किन की एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन होने लगे, जो स्किन का, मैंने बोला ना, स्किन का इरोडेशन हो सकता है, स्किन पे कोई धब्बे पड़ सकते हैं, स्किन बहुत ज्यादा आपको शरीर में कुछ अलग से गांठ दिखाई दे सकती है। अगर वो एब्रेक सिस्टेमिक सिस्टम में हमारे सिस्टम में चला गया, मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, तो हो सकता है कि ब्लड के कुछ अवयव को ऊपर नीचे कर दे, कुछ ब्लड के सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ना ब्लड कैंसर सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो कुछ ज्यादा प्रोडक्शन होने लगे तो भी वो कैंसर है, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होने लगे ब्लड सेल्स का तो भी कहीं ना कहीं ये ब्लड कैंसर करा। ये था आज का खर्चा पानी, ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप इस एपिसोड के बारे में अपनी राय यहाँ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।